नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम फायरबेस बोटनेट को सेटअप करने वाले हैं। उसको हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वर्क करता है। हम उसको हमारे फायरबेस अकाउंट से पूरा कॉन्फिगर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे एंड्रॉइड मोबाइल से उसके क्लाइंट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। एंड्रॉइड मोबाइल पर उसके क्लाइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखेंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन आता है, ये वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए कैसे आपके पास दो चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास फायरबेस का एक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 000 वेब होस्ट, इसका भी आपके पास अकाउंट होना चाहिए। 000 वेब होस्ट पर हम करेंगे क्या, इस वायरस की जो भी फाइल्स है वो अपलोड करने वाले और हमारे फायरबेस से इसके डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और साथ साथ इससे अटैच करने वाले हैं। तो इन दोनों वेबसाइट पर आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल से फायरबेस पर तो आप अपने ईमेल आईडी से डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, इसके साथ साथ आपको 000 वेब होस्ट पर भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, अकाउंट क्रिएट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, गिटहब पर एक टूल आपको मिल जाएगा, एक रेपोजिटरी मिल जाएगी जिसका नाम ओवरचम। इस रेपोजिटरी का हम यहाँ पर यूज करने वाले। वैसे कोर्स सेक्शन में भी आपको ये टूल मिल जाएगा या फिर आप इजिली यहाँ पर आकर ओवरचम सर्च करके आप इस रेपोजिटरी पर आ सकते हैं। सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसका डाउनलोड जिप फाइल है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस वायरस के अंदर कितने सारे फीचर्स मिलते हैं। डंप एसएमएस, सेंड एसएमएस, बहुत सारे आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। खैर यहाँ पर हम इसे सेटअप करेंगे तो यहाँ पर इसका एक्सेस करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद आपको करने के फायरबेस अकाउंट पे आना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फायरबेस का जितना भी जो वर्क है वो यहाँ पर कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके, फायरबेस पर आने के बाद गाइस आपको सिंपल से ये जो एड प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करके आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है वो सिंपल से फिल कीजिए एंड देन अप्लाई कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपको करना क्या, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना है। एंड ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो साइनिंग इन मेथड है, इस पर क्लिक करके ईमेल पासवर्ड है इसे आपको अनेबल कर लेना है। सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको अनेबल करके इसे सेव कर लेना है। ओके, पहला काम आपको ये कर देना है। दूसरा काम आपको करना है रियल टाइम डेटाबेस पर आना आपको, और रियल टाइम डेटाबेस पर आने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होगा तो सिंपल से उसके क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। बाय डिफॉल्ट आपका ये जो यूआरएल है वो जनरेट कर देगा। दूसरा काम ये हो गया, और जो तीसरा काम हमारा स्टोरेज का है तो स्टोरेज के ऊपर आना है, और स्टोरेज के ऊपर आने के बाद सिंपल से यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इन तीनों को करने के बाद गाइस अब आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको यहाँ पर सेटिंग पर आना है और प्रोजेक्ट सेटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की आईडी आपको देखने के लिए मिलेगी, वेब एपीआई की। अगर आपको एपीआई की शो नहीं होती तो गाइस आप घबराए नहीं, एपीआई की आपको बाद में भी मिल जाएगी, थोड़े टाइम आपको वेट करना होगा, एपीआई की आपको जल्दी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एपीआई की देखने के लिए नहीं मिलती, तो आप परेशान ना हो, थोड़े टाइम बाद ये आ जाएगी। नहीं भी आती तो कहां से आपको लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके बाद आपको सिंपल से स्क्रॉल डाउन कर देना है। एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो वायरस वो एंड्रॉइड में, आईओएस में नहीं है। तो सिंपल से आपको करना क्या होगा, एंड्रॉइड के बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पैकेज नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पैकेज नेम इसके अंदर एड कर देता हूँ com.insta। ओके, देखते ये पैकेज नेम अवेलेबल है कि नहीं। ओके, ये पैकेज नेम अवेलेबल है। अपने एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ मैं सिंपल से इंस्टा। ओके, सिंपल से रजिस्टर ऐप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर ऐप पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख लो डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन फाइल, इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके, क्योंकि इसी के अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट आईडी, आपकी जो भी वेब एपीआई की है उसके सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद सिंपल से नेक्स्ट करना आपको, और इनको बाय डिफॉल्ट ऐसे कैसे रह देना, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, इसे फिनिश कर देना, कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करके इसे आपको फिनिश कर देना है। जैसे आप इसे फिनिश करोगे तो गाइस यहाँ पर आप देखो आपकी एप आईडी आ गई, एप आईडी आ चुकी है, एप निक नेम आ चुका है, पैकेज नेम आ चुका है, इन सबको ऐसा कैसे आपको रखने देना है। अब गाइस हमारा जो फायरबेस का जो वर्क है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे 000 वेब होस्ट पर। तो 000 वेब होस्ट पर पहले आपको करना है अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल से क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करके आप अपने साइट का नाम देकर इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल से मैनेज वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। एंड मैनेज वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद इसकी फाइल्स को अपलोड करना होगा जो कि हमने फाइल्स डाउनलोड की थी उसकी रेपोजिटरी से। ओके,
मैनेज वेबसाइट के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल्स मैनेजर है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सिंपल से अपलोड फाइल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसके फाइल्स मैनेजर पर आ जाओगे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका सेशन कहीं पर आउट हो जाता है। ओके ओके, मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम देता हूँ। ओके ओके, यूजर नेम देता हूँ और इसका मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। और गाइस ये जो unzipper.php ये जो फाइल है ये आपको हमारे कोर्स के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। ये फाइल गाइस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज हम करेंगे क्या, इसी फाइल की मदद से हम हमारे जो भी जिप फाइल है उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ये फाइल अगर आपके पास नहीं हुई तो गाइस आपको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी फाइल्स को अपलोड करने के लिए, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने आपको एसटीडीएम बोटनेट को सेटअप करके दिखाया था। ओके, अब सिंपल से अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और हमने जो फाइल्स डाउनलोड की थी ओएचएम डायरेक्टरी की, ओएचएम फोल्डर की, ओएचएम टूल की, तो इसे मैं सिंपल से पिकअप कर लेता हूँ यहाँ से और सिंपल से अपलोड के बटन पर क्लिक करके इसे हमारे यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। ओके, फाइल्स को अपलोड होने के बाद गाइस सिंपल से करना कि आपको अनजिपर पर क्लिक कर देना है और इसे आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से करेंगे जो हमने फाइल्स अपलोड की थी यहाँ पर आप देख सकते हो ओएचएम मैन डॉट जिप ये यहाँ पर पिकअप हो चुकी है। सिंपल से अनजिप आर्चीव पर क्लिक कर देना है, ये यहाँ पर देख सकते हो अनजिप हो चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और देखते हैं कि ये अनजिप हुई है कि नहीं। ओके गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनजिप हो चुकी है। अब हमारी जो ये जो जिप फाइल है इसका कोई भी काम नहीं है, मैं इसको सिंपल से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा एंड डिलीट करने के बाद हम इसके अंदर आएंगे एंड इसके अंदर आने के बाद हमें करना क्या, गाइस हमारे पास वेब पैनल है तो इसके अंदर आएंगे हम। सिंपल से हम करेंगे कि पहले वेब पैनल को हम बाहर ले लेते हैं, हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है तो हम सिंपल से वेब पैनल को बाहर ले लेते हैं और चीजों को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो मैं सिंपल से करता क्या हूँ, यहाँ पर वेब पैनल को मैं क्लिक करूंगा और इसे मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। मूव करेंगे हम यहाँ पर बैक डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं सिंपल से चेंज पर क्लिक करूंगा और पब्लिक एचटीएमएल के अंदर हम इसको मूव करना चाहते हैं, तो सिंपल से सेलेक्ट दिस करके यहाँ पर हम इसे मूव कर लेते हैं। ओके, एंड मूव करने के बाद हम चलेंगे पब्लिक एचटीएमएल पर और इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है तो मैं सिंपल से इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड डिलीट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो index.html, firebase, app.js और app.js, हमें इन फाइल्स के अंदर कुछ मॉडिफाई करनी होगी। तो सिंपल से हम चलते हैं गिटहब पर और इन्होंने बताया हुआ कि कहाँ पर आपको चेंजेस करनी होगी। ओके, सबसे पहले तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो आफ्टर दैट रियल टाइम डेटाबेस गो टू द रूल सेट डॉट रीड एंड राइट को ट्रू करना आपको, इस चीज को मैं आपको बताना भूल गया। तो सिंपल चलते हैं रियल टाइम डेटाबेस पर, पहले आपको जो भी जितना फायरबेस का वर्क है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, रूल्स पर आपको क्लिक कर देना है एंड रूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट करना है रूल्स को। इन्होंने ट्रू बताया था, अगर बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पर फॉल्स होंगे, मैंने ऑलरेडी से ट्रू कर रखा है, यहाँ पर आपके बाय डिफॉल्ट जब आप क्रिएट करोगे तो आपको फॉल्स दिखाएगा, यहाँ पर क्लिक करके फॉल्स होगा तो इन्हें आप ट्रू कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने कुछ जिस तरह से किया है यही आपको करना होगा। ओके ओके, अब चलते हैं 000 वेब होस्ट पर और यहाँ पर करना क्या है गाइस, आपने जो फायरबेस आपने जो गूगल जेसन फाइल डाउनलोड की थी उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं सिंपल से इस वाली फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। गूगल जेसन फाइल को ओपन करने के बाद गाइस आप चाहो तो यहाँ से भी सारे कोड को पिकअप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर वेब एपीआई की है, जो भी यहाँ पर ऐप आईडी, इनको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो या फिर अपने फायरबेस के अकाउंट से भी कॉपी कर सकते हो। ओके ओके, तो अब आपको इसे मिनिमाइज कर लेना है और app.js फाइल है इसे सिंपल से राइट क्लिक करके एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर जितने भी जो यूआरएल्स है वो अपने फायरबेस पर आपको जो यूआरएल प्रोवाइड हो रहे हैं उन सबसे आपको रिप्लेस कर देना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एपीआई की आपको पूछ रहे हैं, तो एपीआई की हमें कहाँ मिलेगी इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से और एपीआई की गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एपीआई की करंट की, तो इस एपीआई की को आपकी एपीआई की अलग होगी, मेरी एपीआई की अलग है, इसको सिंपल से आपको कॉपी करना है और अपने गूगल इसको ओपन करना है अपने इस वाले रेड को और यहाँ पर आपको एपीआई की को पेस्ट कर देना है। ओके, इसके बाद आपको ओथ डोमेन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ओथ डोमेन कहाँ पर मिलेगा, अगर यहाँ से आपको ओथ डोमेन इस वाली फाइल में अगर देखने के लिए नहीं मिलता है, देख सकते हो इस वाली फाइल में आई थिंक नहीं मिलेगा आपको। ओके, इस वाली फाइल में आपको ओथ डोमेन नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल से करना क्या होगा, फायरबेस पर आना है, ऑथेंटिकेशन पर आपको आ जाना है एंड जैसे आप ऑथेंटिकेशन पर आओगे तो सिंपल से साइनिंग इन मेथड है इस पर क्लिक कर देना, आपको स्क्रोल डाउन कर देना है एंड स्क्रोल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन डोमेन यहाँ पर लोकल होस्ट है और यहाँ पर देख सकते हो सेकंड है instafirebase.app.com, इसे कॉपी कर लेना आपको। ओके, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे सिंपल से पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, एक बार हम इसे सेव कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर कई बार 000 वेब होस्ट पर क्या होता है सेशन आउट हो जाता है। ओके, ये सेव हो चुका है। अब दूसरी बात हो गई डेटाबेस यूआरएल की, तो आपको डेटाबेस यूआरएल कहाँ पर मिलेगा, रियल टाइम डेटाबेस पर आ जाइए
और रियल टाइम डेटाबेस पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऊपर ही आपको डेटाबेस का यूआरएल मिल रहा है, क्लिक कीजिए इस पर। और ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर, और सिंपल से यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल है, इसकी जगह आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, स्लैश को हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। अब इसके बाद करना कि आपको प्रोजेक्ट आईडी पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट आईडी आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर आ जाइए आप। एंड प्रोजेक्ट आईडी के लिए सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, प्रोजेक्ट सेटिंग पर चलना आपको। एंड प्रोजेक्ट सेटिंग पर आने का प्रोजेक्ट आईडी देख सकते हो, इसे कॉपी कर लेना आपको। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करने के बाद हम चलेंगे प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ध्यान देगा यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपका कनेक्शन आएगा ही नहीं। इन सब चीजों को आपको बारीकी से करना है, ध्यान से करना है। अगर कोई भी चीज मिस कर दोगे या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस कर दोगे तो आपका कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज बकेट, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, और अब हम करेंगे स्टोरेज बकेट का यूआरएल भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो स्टोरेज बकेट का यूआरएल पेस्ट करने के लिए सिंपल से आपको स्टोरेज पर चलना है। एंड स्टोरेज पर चलने के बाद इस वाले यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं सिंपल इस वाले यूआरएल को कॉपी करता हूँ और 000 पर जाकर इसे मैं सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, इसकी जरूरत नहीं है आपको, जीएस लग रहा है इसके, मैं हटा देता हूँ। ओके, इसके बाद आपको चलना मैसेजिंग सेंडर आईडी। तो मैसेजिंग सेंडर आईडी के लिए सिंपल से आप चलना ऑथेंटिकेशन पर। ओके एंड ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर चलना आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर। प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाने के बाद क्लाउड मैसेजिंग पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लाउड मशीन के ऊपर क्लिक करने का यहाँ पर देखो सेंडर आईडी है, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। ओके, अब हमारे पास है एप आईडी। तो एप आईडी के लिए हम चलेंगे, दोबारा बैक आएंगे और एप आईडी के लिए सिंपल से स्क्रॉल कर देना है। और यहाँ पर आप देखो बस एप आईडी दिखने के लिए मिल रही है, तो इसे पूरा आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर एप आईडी की जगह इसे पेस्ट कर देना है। ओके, इतना सा काम करने के बाद सिंपल से इसको आप सेव कर सकते हो। एंड गाइस, जो फाइनल देख सकते हो यहाँ पर आपको जी, यहाँ पर मेजरमेंट आईडी है, जो कि जी मेजरमेंट आईडी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सिंपल से सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ओके, इतना सा काम करने के बाद गाइस, अब आपको करना क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसे आप व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस सबको मैं परमिशन दे देता हूँ 777 की। आपको करना क्या है, इन सबको आपको परमिशन दे देनी है। तो मैं इन सबको क्लिक करूंगा। ओके, और राइट क्लिक करके परमिशन पर चलते हैं और इन सबको हम यहाँ से परमिशन दे देते हैं सबको। ओके एंड ओके, चेंज करते हैं हम यहाँ से। ओके, इन्हें परमिशन मिल चुकी है। अब सिंपल से index.html फाइल है, इसको मैं यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अभी हमारे पास, हम एडमिन के अंदर, एडमिन एडमिन यूजर के अंदर हम लॉगिन है, हमारे पास कोई भी यूजर यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा गाइस, वो यहाँ पर हम मोबाइल से करेंगे। मोबाइल से इसका जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो बिल्ड करेंगे। जितना भी जो सर्वर का, बैकएंड का, जितना भी जो वर्क था डेटाबेस का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम मोबाइल से इसके क्लाइंट एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं।